खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। तो 2019 के चुनावी साल में मोदी सरकार का अंतरिम बजट और सबसे बड़ा सवाल ये कि इस बजट से मिडिल क्लास को क्या मिला, आइए जरा जल्दी से आपको बता देते हैं। हालांकि इस बजट के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये साफ किया गया है कि ये जो बजट है वो न्यू इंडिया का जो सपना है, जो लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति के लिए एक नई ऊर्जा देगा। आइए जल्दी से आपको दिखाते हैं कि वो बजट जिसमें किसानों के लिए भी कुछ है, मजदूरों के लिए भी कुछ है, महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ है, उसमें मिडिल क्लास के लिए क्या सौगात है, जरा समझिए इस बात को। मिडिल क्लास जो हमेशा इंतजार करता है कि किस तरीके से टैक्स से उसे कुछ छूट मिल जाए, मिडिल क्लास को राहत कहां, ये समझिए। जिनकी टैक्सेबल इनकम सिर्फ 5 लाख रुपए तक की है उन्हें कोई टैक्स देना नहीं होगा, ये मिडिल क्लास के लिए बड़ी राहत, नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ी राहत। दूसरी बड़ी बात यह कि 5 लाख से अगर ज्यादा है आपकी टैक्सेबल इनकम, 5 लाख रुपए से 1 रुपया भी अगर आपकी टैक्सेबल इनकम ज्यादा है तो फिर आपको टैक्स देना होगा। तीसरी बड़ी बात यह कि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जो टैक्स स्लैब पहले थे अभी भी बिल्कुल वैसे ही टैक्स स्लैब है। चौथी बड़ी बात यह कि स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 रुपए था, उसे सरकार की तरफ से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया है, हर नौकरी पेशा को इसका सीधा फायदा मिल रहा है। इसके अलावा बैंक से जो ब्याज मिलता है, पहले 10,000 पर टीडीएस, अब 40,000 रुपए ब्याज तक टीडीएस नहीं। और पांचवी अहम बात यह कि रेंटल इनकम जो 1,80,000 रुपए तक की छूट थी, बढ़ाकर छूट 2,40,000 रुपए तक कर दी गई है। तो मिडिल क्लास को क्या मिला, देखिए पिछले दिनों विधानसभा के जो चुनाव हुए उसमें खासतौर से जो शहरी वोटर था, जिसे खासतौर से बीजेपी का वोटर माना जाता है, जो मिडिल क्लास वोटर होता है, उसने बीजेपी की जगह एक बात यह निकल कर आई कि नोटा को प्रेफरेंस दिया। तो कहीं ना कहीं अपने वोटर को क्या फिर से लुभाने के लिए इस तरीके से मिडिल क्लास के लिए ये सौगात की बौछार जो मोदी सरकार की तरफ से इस बजट में कर दी गई। और कुछ देर पहले मैंने आपको एक गुणा भाग बताया था कि कैसे अगर आमदनी आपकी 10 लाख रुपए तक है तो 5 लाख रुपए आप निवेश करके अगर टैक्सेबल इनकम को 5 लाख के अंदर ले आते हैं तो फिर टैक्स फ्री हो जाएगी आपकी इनकम। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।